हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा खबर लहरिया की। खबर लहरिया क्या है? खबर लहरिया एक ऐसा अखबार है जो औरतों द्वारा संचालित होता है, यानी हम इसको अपने देश का ऐसा अखबार कह सकते हैं जिसको गाँव की औरतें चलाती हैं। ये अखबार 30 मई 2002 से स्टार्ट हुआ और इसके जो फाउंडर, उनका नाम है मीरा जाटव और कविता देवी। तो शुरुआत में ये अखबार को स्टार्ट करने में उनको काफ़ी दिक्कतें महसूस हुई, क्योंकि ये एक ऐसे बैकवर्ड एरियाज से आती थी या ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के, इसमें औरतें हैं जो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती हैं। तो वहाँ का जो माहौल था वो इस तरह का था कि वहाँ पर्दा सिस्टम चलता था, औरतों को बाहर जाना मना हुआ करता था। तो इस तरह के कल्चर में अगर कोई औरतें ऐसा अखबार स्टार्ट करती हैं तो ये बहुत सराहनीय काम है। तो ऐसा ही हुआ इस अखबार को शुरुआत करने में। इस अखबार को शुरुआत किया गया एक एनजीओ की मदद से जो दिल्ली बेस्ड है। वो एनजीओ जो है वो एजुकेशन और जेंडर पे फोकस करती है। दोस्तों, ये न्यूज़पेपर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से स्टार्ट हुआ। इसका मेन काम ये है कि गांव में जितने भी सोशल इश्यूज होते हैं या क्राइम न्यूज़ होते हैं या पॉलिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी चीज़ों को ये वुमन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देगा। यानी इसको एक तरह से कहा जा सकता है कि ये औरतों की आवाज़ है, औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाना। तो गांव में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में ये रिपोर्ट करती है। इसको 40 रूरल वुमेन मिलके चलाती हैं। वुमेन जर्नलिस्ट हैं जिनका काम है एडिशन का, पब्लिकेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सारा काम यही औरतें ही करती हैं। और सितंबर 2012 की रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जाता है कि 600 गांव में लगभग 6000 कॉपियां छपती हैं और इनकी व्यूवरशिप 80,000 तक हो गई है। और फरवरी 2013 में ये बताया जाता है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च किया khabarlahria.org से, और अब ये डिजिटल हो गए हैं। अब आप इनको सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी चलता है जिस पर ये काफ़ी न्यूज़ देती हैं, जितने भी गांव से रिलेटेड हैं, जो भी सोशल इश्यूज़ पे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हैं, क्राइम न्यूज़ है, ये सब देती हैं। तो आप जाके इनको देख सकते हैं इस तरह की, किस तरह की न्यूज़ देती हैं। आज ये एक न्यूज़ चैनल काफ़ी बड़ा चैनल बन रहा है। अगर बात करें इसके अचीवमेंट्स के बारे में तो इसने बहुत से अवार्ड जीते हैं, जैसे चमेली देवी जैन अवार्ड, यूनेस्को किंग सीजंग अवार्ड, अमेजिंग इंडियन अवार्ड, ग्लोबल मीडिया फोरम अवार्ड और कैफी आदमी अवार्ड। और अभी आपने एक नाम सुना होगा एक डॉक्यूमेंट्री का, विंग विद फायर, उसने ऑडियंस अवार्ड जीता है। ये डॉक्यूमेंट्री इसी पे बेस्ड है, खबर लहरिया पे ही बेस्ड है। इसने सन डांस फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड जीता है वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में। तो ये भी काफ़ी सराहनीय है कि इस तरह के अखबार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।